हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज को, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है और कितने तरह के नेटवर्क टोपोलॉजीज को हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और लेसन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो चलते हैं हम आपके साथ इसमें इस लेक्चर की तरफ, जो कि आज है नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज का क्या मतलब है, पहले इसको डिफाइन करते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो कि हमने पहले देखे थे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अगर आपने नहीं देखा है उनको आप देख लीजिएगा। देखिए, सभी लेक्चर्स के जो लिंक हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, वो सभी लेक्चर्स आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे लेक्चर जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, कैसे होते हैं, इसी को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज कहते हैं। इसका और भी एग्जांपल अगर देखा जाए तो देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजीज को फर्दर हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी, एक होता है लॉजिकल टोपोलॉजीज। हमें जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उनको फिजिकल टोपोलॉजीज को पढ़ना है। अब ये फिजिकल टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है, यानी इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क। यानी अगर हम लोग यहां पर देखें, यह दोनों पॉइंट वहां अलग अलग हैं, तो किस तरह से आपस में ये सारे नोड एक दूसरे से कनेक्ट हैं एक ही नेटवर्क के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी, याद रखिएगा। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का जो मतलब है कि जितने भी कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, उसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज कहते हैं। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज दो तरह की होती है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजीज के अंदर ये सारे के सारे नोड जो है आपस में किस तरह से एक ही नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग जो है फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड इन अ नेटवर्क इज नोन एज द फिजिकल टोपोलॉजी। अभी नेटवर्क टोपोलॉजी जो है हमारी 5 से 6 तरह की होती है, कुछ और भी कहीं बुक्स में ये 7 to 8 टाइप्स लिखा है, बट जनरली जो इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ये 6 टाइप से करते हैं। पहला बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजीज में सारे नोड, देखिए नोड का मतलब क्या है, नोड आपका कंप्यूटर हो सकता है, नोड आपका डिवाइस हो सकता है, नोड आपका लैपटॉप हो सकता है और नोड आपका कंप्यूटर कोई भी मोबाइल डिवाइस हो सकता है। तो नोड मतलब एक तरह का डिवाइस। तो ये जो नोड्स है आपस में एक दूसरे के साथ एक ही नेटवर्क में किस तरह से कनेक्ट होते हैं, यानी द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोड्स इज नोन एज द नेटवर्क टोपोलॉजी। तो पहला है हमारा बस टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी किस तरह की होती है जरा देखें। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हमारी सेंट्रल केबल होती है, एक हमारी सेंट्रल केबल होती है। अब मैं चाहता हूं कि सभी को मैं एक ही जगह डिफाइन कर दूं, बना दूं, तो सबसे पहले मैं आपको बस टोपोलॉजी में बताऊंगा। तो बस टोपोलॉजी में एक आपकी केबल होती है, इसको हम लोग जो है नेटवर्क बैकबोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क बैकबोन भी कहते हैं। और इस बस इस केबल से सारे के सारे नोड आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट होते हैं, यानी इस तरह से। तो ये जो नोड है, ये आपका जो डॉटेड सर्कल है, ये आपका नोड है, यानी आपका कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है या मोबाइल डिवाइस है। तो ये जो है आपका बस टोपोलॉजी है, मैं केवल बस लिख देता हूं यहां पर। और ये जो सेंट्रल केबल है, ये जो सेंट्रल केबल है, ये इसे कहते हैं हम लोग नेटवर्क बैकबोन, नेटवर्क बैकबोन, याद रहेगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, ये है हमारी बस टोपोलॉजी। फर्स्ट इज अ बस टोपोलॉजी। दूसरा है हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे जितने भी नोड हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो इसमें सारे नोड जो हैं सर्कुलर फैशन से
सर्कुलर फैशन से एक दूसरे के साथ जो है डेटा को ट्रांसफर करते हैं इस तरह से। तो ये नोड इस तरह से ट्रांसफर करेगा, फिर ये इस तरह से ट्रांसफर करेगा, फिर ऐसे ट्रांसफर होगा, फिर इस तरह से ट्रांसफर होगा, फिर इस तरह से ट्रांसफर होगा, और फिर इस तरह से ट्रांसफर होगा। यानी सभी नोड्स का आपस में एक तरह से इस तरह का अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी। तो ये सारे नोड जो हैं एक ही तरीके से एक ही डायरेक्शन में, जैसे इस नोड को अगर इसको ट्रांसफर करना है डेटा, तो वो सबसे पहले ए के पास जाएगा, फिर बी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा, तब टू के पास जाएगा। तो यहां पर आपका टोकन जो है, टोकन पासिंग एक मेथड है। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपस में, नोड्स हैं, यूनिडायरेक्शन के अंदर ही डेटा को ट्रांसफर करते हैं, यूनिडायरेक्शन की तरफ से डेटा को ट्रांसफर करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। याद रखिएगा, रिंग टोपोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग टोकन पासिंग का एक मेथड यूज करते हैं। देन थर्ड है हमारा स्टार टोपोलॉजी। क्या है स्टार टोपोलॉजी? नाम से पता चल रहा है, इसमें एक सेंट्रल हब होता है। सेंट्रल हब से सभी नोड जो है आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं। इस तरह से कनेक्ट होते हैं, जो कि आपका जो होता है, क्या होता है, इस तरह के टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। तो ये जो होता है हमारा नेट सेंटर में, ये होता है हमारा हब, और ये जो सेंट्रल डिवाइस होता है, सबसे पहले जो डेटा ट्रांसफर होता है, यानी किसी भी नोड को अगर दूसरे नोड को डेटा ट्रांसफर करना है, उसे नोड को अपना डेटा जो हब को सेंड करना पड़ेगा, देन हब जो है बाकी डिवाइसेस को डेटा को सेंड करता है। तो ये जो हब जो है, सेंट्रल डिवाइस जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब कहते हैं। और ये अगर खराब हो जाए तो डेटा को ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, यानी डेटा सारे नोड आपस में ट्रांसफर डेटा को नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा आता है ट्री। अब ये जो ट्री टोपोलॉजी होती है, ये ट्री टोपोलॉजी जो होती है, इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं आपके लिए, क्योंकि यहां पे थोड़ा मुश्किल होगा। ट्री टोपोलॉजी के अंदर हम लोग जो है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, इन दोनों की हेल्प लेते हैं, जिसके अंदर एक आपका, मान के चले, एक आपकी केबल होती है, इस तरह से केबल से सारे नोड आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं, फिर फर्दर इस तरह से कनेक्ट होते हैं, और फिर फर्दर इस तरह से कनेक्ट होते हैं, यानी एक ट्री स्ट्रक्चर में इस तरह से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी की हेल्प से, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग जो है ट्री टोपोलॉजी को क्रिएट करते हैं। ये आपका जो है ट्री टोपोलॉजी आता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी आता है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर जो है दो तरह की टोपोलॉजी होती है, एक तो होती है फुली कनेक्टेड, एक होती है पार्शली कनेक्टेड। तो मैं पहले फुली कनेक्टेड की बात कर लेता हूं। तो ये दो तरह की होती है, फुली कनेक्टेड, मैं इसको लिख देता हूं, फुली कनेक्टेड एंड पार्शली कनेक्टेड। अब फुली कनेक्टेड और पार्शली कनेक्टेड में क्या होता है, मैश में क्या होता है? मैश के अंदर सभी नोड आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये पांच नोड हैं, अगर हमारे पास ये पांचों नोड आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, यानी अगर इस नोड को कनेक्ट होना है सभी नोड से, तो वो जो है अपना केबल के साथ इस तरह से जो है वो कनेक्ट होगा। याद रखिएगा, तो इस तरह से जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे। अभी ये कंप्लीट जो है, अभी मैं देख लेता हूं, सबका एक ही रहना चाहिए, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से, ठीक है।
तो ये जो सब ये नोड बाकी चार से कनेक्ट है, ये नोड बाकी चार से कनेक्ट है, ये नोड बाकी चार से कनेक्ट है, तो यहां पर जिसे हम लोग कहेंगे ये जो है फुली कनेक्टेड है, यानी सारे नोड आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और यहां पर अगर मेरे पास n जो है नंबर ऑफ नोड अगर n है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोड n है तो जो नंबर ऑफ केबल्स होंगी, जो नंबर ऑफ केबल्स होंगी कितनी होंगी, मेरे पास नंबर ऑफ केबल्स होंगी n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू। और n क्या है, n रिप्रेजेंट करता है नोड को, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ नोड। तो अब ये जो है ये फुली कनेक्टेड है। पार्शियल कनेक्टेड में क्या होगा, पार्शियल कनेक्टेड में क्या होगा कि एक नोड जो है एक एक्स्ट्रा नोड हम लोग बना लेते हैं, वो केवल इसी से कनेक्ट है केवल ऐसे, तो ये पार्शियल कनेक्टेड हो जाएगा। पार्शियल में सभी नोड आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, तो फुली मैश में, फुली कनेक्टेड मैश के अंदर सभी नोड आपस में कनेक्ट होते हैं, और पार्शियली कनेक्टेड मैश के अंदर जो है कुछ नोड जो है दूसरे नोड से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये है आपका पूरा का पूरा टोपोलॉजी। नेक्स्ट इसमें आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी को मिलाकर कंबाइन करके हम लोग एक और टोपोलॉजी बना सकते हैं। जैसे ये पांच है, फाइव को डिफाइन किया है, तो हम लोग इनके कॉम्बिनेशन से एक और टोपोलॉजी बना सकते हैं। जैसे हाफ ऑफ द टॉप, हाफ ऑफ द नेटवर्क जो है हमारा वर्क कर रहा है रिंग की तरह, दूसरा हाफ ऑफ द वर्क कर रहा है बस की तरह, तो इस तरह की भी टोपोलॉजी बना सकते हैं। तो दूसरे के कॉम्बिनेशन से जो टोपोलॉजी बनती है उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। याद रहेगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये जो है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजीज है। तो पहले हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को देखा, देन टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी को देखा, और एक एक करके मैंने इनके स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करके बताया। कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइएगा। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।